हे एवरीवन, स्वागत है आपका मिक्स हैंडी में। आज मैं लाई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक की रेसिपी, रोज मोदक, केसर मोदक और चॉकलेट मोदक की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केसर मोदक। सबसे पहले पैन के अंदर एक चम्मच घी डाल देंगे और 1/3 कप इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। अब 1/4 कप हम केसर मिल्क डाल देंगे। यहाँ पर मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल करके रख दिया था, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। उसको डालने के बाद में दूध को गर्म कर लेंगे और 1/3 कप इसके अंदर हम बूरा डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी भी पीस करके डाल सकते हैं। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, ताकि जो इसमें बूरा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, तब हमें इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर डालना है। मैंने यहाँ पर एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे क्या है, इसके अंदर मावा वाला टेस्ट आएगा, इसके अंदर लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हाई रखेंगे गैस की फ्लेम तो ये जलने लग जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर मावा का टेक्स्चर आ गया है। आप चाहें तो इसके अंदर मावा का भी यूज कर सकते हैं। पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसके अंदर हमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखनी है। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। इसको जब हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, तब ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा और धीरे धीरे जो दूध है ये अपने आप को ऑब्जर्व कर लेगा इसके अंदर। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से डो फॉर्म में आ जाएगा, जब तक कि इसका जो दूध है वो सूख ना जाए। अब आप देखेंगे कि ये गाढ़ा हो चुका है, तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी जब ठंडा हो चुका है, तब हम एक मोल्ड लेंगे मोदक का और उसके अंदर इसको फिल कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें इसको फिल करना है। आप चाहें तो इसके अंदर स्टफ मोदक भी बना सकते हैं। जब ये पूरी तरह से इसके अंदर फिल हो जाएगा, तब हम इसको ओपन करके देखते हैं तो ये मोदक बन करके तैयार हो जाता है। और इस तरह से हम ये केसर मोदक बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप भी गणेश चतुर्थी पर ये केसर मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं और भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं और ये केसर मोदक खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार हुए हैं। हम ओरियो से स्टफ्ड चॉकलेट मोदक बनाएंगे। रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टफ चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हम ले लेंगे एक ओरियो का पैकेट ले लेंगे और उसके अंदर से ओरियो के सारे बिस्किट्स निकाल लेंगे। अब हमें इसके अंदर इसकी क्रीम अलग करनी है और बिस्किट्स अलग करने हैं। इस तरह से हम चाकू की सहायता से इसकी क्रीम अलग करते जाएंगे और बिस्किट्स अलग करते जाएंगे। अब जो हमने क्रीम निकाली है, उसको हाथों की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें क्रीम का यूज किया है, क्योंकि बच्चों को ये टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उन्हें सिर्फ ओरियो के बिस्किट और ओरियो की क्रीम ही पसंद है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। अब जो बाकी के बिस्किट बचे हैं, उसको एक मिक्सर जार में डाल देंगे और ढक्कन लगा करके इसका चूरा बना लेंगे। आप चाहें तो इसको क्रशर की सहायता से भी इसका चूरा बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये चूरा बन चुका है। अब इसके अंदर हमें लेनी है 1/3 कप हम मलाई ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मलाई का यूज़ किया है और ये वैसे भी मीठे होते हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मलाई का यूज़ करते जाएंगे। अब ये देखिए, ये बिल्कुल डो फॉर्म के अंदर आ चुका है और ये एक गोला सा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम मोदक का मोल्ड लेंगे और उसके अंदर ओरियो का पार्ट जो है, उसको थोड़ा सा इसके अंदर फिल कर देंगे। ये देखिए, इसको राउंड करते हुए हमें इसके अंदर इसको फिल कर देना है और इसके बीच में एक हम होल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें उंगली की सहायता से इसमें होल कर देंगे और जो व्हाइट वाला, जो क्रीम वाला पार्ट है, उसको इसके अंदर डाल देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हम स्टफ्ड मोदक बना रहे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, अब इसके अंदर हम ये एक जो हमने बॉल्स बनाए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। और इस तरह से हम स्टफिंग चॉकलेट मोदक बना करके तैयार कर लेंगे। और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को ये बेहद ही पसंद आएंगे। और ये देखिए, इसको कट करके दिखाती हूँ, ये चॉकलेट मोदक बन करके तैयार हो चुके हैं। और अब बारी है रोज मोदक बनाने की। एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाए, तब इसके अंदर हमें 1/2 कप दूध डाल देना है। दूध को गर्म कर लेंगे और 1/3 कप इसके अंदर हम बूरा डाल देंगे। बूरे को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। अब हमें 1 कप इसके अंदर मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद में हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, वो भी हमें लो फ्लेम पर करना है। और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े और इस तरह से ये मावा बन करके तैयार हो जाएगा। जब मिल्क पाउडर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तब इसके अंदर हमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए। अब इसमें 1/2 चम्मच हम रोज एसेंस डाल देंगे और 2 से 3 बूंद हमें यहाँ पर
फूड कलर की डालनी है। और ये देखिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें रोज़ का कलर आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में ये डो फॉर्म में आ जाएगा और डो फॉर्म में आने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तब हम इसका एक गोला बना करके तैयार कर लेंगे और जो मोल्ड है मोदक मोल्ड उसके अंदर इसको डाल करके फिल कर देंगे। और इस तरह से हम ये रोज मोदक बना करके तैयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं और ये तैयार है रोज मोदक। तो आप इस तरह से रेसिपी को ट्राई भी कर सकते हैं और ये झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये मेरी तीनों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी इस मोदक की रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खाएं पिए और एंजॉय करें। हैप्पी गणेश चतुर्थी।